दिस इज वीडियो नंबर फिफ्टीन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड सेकेंड वीडियो ऑन रोटेटिंग रॉड प्रॉब्लम दिस इज जस्ट द सेकेंड प्रॉब्लम सॉरी सेकेंड वीडियो आई मीन टू से ठीक है तो हम इस पर करते हैं प्रॉब्लम्स अभी दिस इज दवर फर्स्ट प्रॉब्लम इसकी मैं मतलब हम कॉन्टिन्यूशन में ही बता रहा हूँ आपको कुछ वैसे आप ये प्रॉब्लम खुद भी करनी आपको आनी चाहिए इसमें यह रॉड रोटेट कर रही है अबाउट दिस पॉइंट जहां मैंने मार्क किया है पॉइंट को आपको बोला गया है फाइंड वी वी पी क्यू नहीं पी क्यू नहीं सॉरी पी चलो पी क्यू भी फाइंड कर लो पी क्यू भी फाइंड कर लो बट वी एक्चुअली वी क्यू आर फाइंड करना चाहते हैं आप ठीक तो है तो वी क्यू आर फाइंड करना चाहते हैं तो वी क्यू आर के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा वी क्यू फाइंड करो मैंने पहले भी बताया आपको और वी आर फाइंड करो वी पी आर आई मीन टू से क्या क्या फाइंड करो एक वी पी क्यू फाइंड करो और एक क्या फाइंड करो एक फाइंड करो वी पी आर ठीक है वी पी क्यू एंड वी पी आर ये दो फाइंड करो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जो भी करो वो इक्वेशन बन जाती है वी पी क्यू क्या होता है वी पी क्यू क्या होता है वी पी माइनस वी क्यू ठीक है हायर पोटेंशियल पे कौन होगा चेक करो चेक करो आपको पता है कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ फिर से कैसे चेक करना है कैसे चेक करते हैं ये देखो ये देखो पी क्यू के लिए विलासटी वैक्टर किधर है v वेक्टर देखा करो v वेक्टर कहाँ जा रही है ये पी क्यू कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ ठीक है ये आ गया सो so, क्या अंदर क्यों क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ठीक है ये और थम p की तरफ तो पी क्यू में p हायर पोटेंशियल पे है सिमिलरली पी आर में भी p हायर पोटेंशियल पे है तो इसलिए वी पी आर किसके बराबर होगा वी पी माइनस वी आर किसके बराबर होगा वीपी माइनस वी आर तो ये दो इक्वेशन आपके पास बनेंगी एक बनेगा वी पी माइनस वी क्यू एक बनेगा वीपी माइनस वी आर ठीक है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा वी क्यू आर मान लो आर क्यू मिला ठीक है आर क्यू मिला वो देख सकते हो आप किसको किस में से माइनस करें तो आपको बेटर रहेगा ठीक है मेरे हिसाब से वी क्यू आर फाइंड करने के लिए आपको माइनस करना चाहिए इसको अगर मैं टू लिखूं और इसको मैं वन लिखूं तो टू माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस वन में आएगा आपका माइनस वी आर प्लस वी क्यू तो वो हो गया वी क्यू माइनस वी आर तो वी क्यू माइनस वी आर निकल जाएगा ये सब कहानी है इसकी नथिंग एल्स कुछ भी मुश्किल नहीं है मैं तब भी करके दूंगा आपको ठीक है तो वी पी क्यू में लिख देता हूं यहां फॉर्मूला क्या था वी पी क्यू का वी ओमेगा यस बी ओमेगा एल स्क्र एल स्क्र एल मतलब इसकी लेंथ कितनी है इसकी लेंथ ये देखो ये आर ये आर रेडियस आर गिवन होगा ना इसका तो आर आर तो ये रूट टू आर तो रूट टू आर रूट टू आर, आर स्क्वायर अपॉन टू ये हो गया वी क्यू यानी कि ये वाला इसी तरह से ये क्या होगा वी पी वन को सिंपल है आपको ये देखो वी पी आर किसके बराबर होगा दैट इज बी इक्वल टू वी बी ओमेगा एल स्क्र ना 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 एल कितना है यहाँ टू आर टू आर का स्क्वेयर अपॉन टू बस इस माइनस दिस करो तो आंसर आ जाएगा आप दिस इज एज सिंपल एज दैट कुछ भी मुश्किल नहीं है तो. ठीक है तो ये सिंपल था नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसी तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स हैं सारी ठीक है कॉमांड बना लो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आगे दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम एक इंफनाइट वायर है जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है अब इस मैग्नेटिक फील्ड के वायर वाले मैग्नेटिक फील्ड की आपको एक कहानी बड़ी देर से मालूम है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफरेंट होगा यहां पे जो वेलोसिटी वी है और जहां पे जो वेलोसिटी वी है वो भी डिफरेंट होगी इसलिए दो चीजें डिफरेंट हो गई जो वेलोसिटी डिफरेंट थी उसको हम कंसिडर कर चुके थे जब हमने पूरी डेरिवेशन की जिससे हमने डिराइव किया वी ओमेगा एल अपॉन टू लेकिन वहां पे बी कांस्टेंट था यहां पे बी भी, भी वेरिएबल है अब इसको टैकल करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू हम क्या करेंगे हम यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे ऑफ विथ डीएक्स और एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर इधर से कितना डिस्टेंस होगा इस स्ट्रिप का एक्स कितनी बार ये क्वेश्चन हमने इस तरह के किए हैं अब आपको बार बार ये क्वेश्चन करवाने का रीजन भी यही होता है कि इंटीग्रेशन मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट लेकिन अल्टीमेटली आपको उस पर होल्ड बैठे कर करके प्रैक्टिस कर करके हमारा बन जाए कि हां यार इसमें तो हर बार यही करते हैं तो वो मेरे को याद भी हो जाना चाहिए विद कॉन्सेप्ट ठीक है अब देखो इसको करेंगे क्या करेंगे हम वही कि हम लिखेंगे डी ई बी एल वी क्या लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू बी एल वी बी एल वी बी यहां पर बी कितना होगा हमें मालूम है ये वायर के कारण जो करंट ये म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स ये हो गया कौन बी ठीक है कहां पे इस पॉइंट पे मल्टीप्लाइड बाय एल डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वी वी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां वी क्या होता है ओमेगा आर ओमेगा आर कितना है x माइनस ए ध्यान दो ध्यान दो x माइनस ए कैसे मुझे ये डिस्टेंस चाहिए भाई मुझे ये डिस्टेंस चाहिए कि ये वाला पार्ट कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है जैसे ये वाला पार्ट कितनी वेलोसिटी के साथ चलता है ओमेगा इंटू एल ये कितना चलेगा ओमेगा इंटू एक्स जो यहां होगा वो कितना चलेगा ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए रॉड का कि रॉड से ये कितना दूर है लेकिन मैंने जो एक्स लिया हुआ है वो कहां से लिया है वायर से तो इसलिए मैंने क्या लिखा एक्स माइनस ए ये किसकी वैल्यू आ गई डीई की अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा ई e, जो मुझे निकालना है ई एम एफ ई एम एफ ठीक है कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेट करूंगा ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करो गेट द रिज़ल्ट अब इंटीग्रेट करना तो आपको आना चाहिए इंटीग्रेट करना नहीं आता है, तो पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे ना इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए इंटीग्रेट करो उसके बाद लिमिट्स डालो यू विल गेट द रिज़ल्ट रिजल्ट्स कोई याद नहीं रखने हैं ये ये आपको बस इसको ड्राइव कर लेना ठीक है कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इस तरह की रेल प्रॉब्लम हमने की थी जिसमें मैंने बोला था इस रॉड को अगर आप वी वेलोसिटी के साथ चलाओगे फोर्स ऑफ बी आई एल टू मेंटेन इट्स एट अ स्पीड ऑफ वी बताया था मैंने सब आपको ठीक है तो हम यहाँ पे हमारे को ई एम एफ मिल जाता है मतलब दिस रॉड जस्ट बिकम्स लाइक अ बैटरी और फिर हम यहां पे क्या लगा लेते थे एक रेजिस्टेंस लगा लेते थे एक बल्ब लगा लेते थे और वो बल्ब चलता रहेगा लेकिन तब तक चलता रहेगा जब तक तुम इस रॉड को आगे 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 लेके जा रहे हो भाई कितना बड़ा जनरेटर बनाऊंगा मैं इसके लिए एक बल्ब चलाने के लिए कितनी आगे ले जाओगे पांच मीटर दस मीटर बीस मीटर प्रॉब्लम है ना ये तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं ना हो पा रहा है इसलिए रेल्स को अब देखो कैसे बनाया गया वो मैं आपको बताता हूं ये वाली रेल्स प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं थी इसलिए रेल्स को कैसे बनाया गया अगर आप इस तरह का डिजाइन देखोगे कि भाई रेल प्रॉब्लम अगर एक्चुअली करनी है आपने ये तो समझ लिया आपने कि भाई यहां पे ईएमएफ डेवलप हो सकता है नोमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल इज फाइन लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे होता होगा ठीक है उसको अंडरस्टैंड करते हैं रेल एक्चुअली बनाई जाती है सर्कुलर रेल बनाई जाती है सर्कुलर ये रेल है जिसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं हम यहां पे एक रॉड लेंगे जो इस, इस रेल के ऊपर चलेगी इसका ये वाला एंड जो है इसके ऊपर चलेगा कैसे कैसे देखना ऐसे इसको रोटेशन देंगे हम और यह पूरा इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी एल के मतलब किसके बराबर रेडियस के बराबर रेडियस ऑफ़ द सर्कुलर रॉड के बराबर तो इसको अगर चलाएंगे तो क्या होगा ई एम एफ डेवलप होगा किन दो पॉइंट्स के बीच में एक हम यहां से टर्मिनल लेंगे क्या करते हैं हम एक्चुअली क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ इसको किया जाता है यहाँ पे क्योंकि तो ये तो सब एक डब्बे के अंदर बंद होगा तो आपने क्या करना है एक को आपने लिया यहाँ ये टर्मिनल बना दिया है जिसने इसको चलाना है ठीक है अंदर ये घुमाएंगे हम किसी अरेंजमेंट के साथ कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है दूसरा टर्मिनल हम कहीं पे भी यहां पे लेंगे और इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे क्या अपना बल्ब ठीक है अब बोलो भाई अब क्या अब ये जब जब चलता रहेगा अब ये जैसे जैसे चलता रहेगा तो अल्टीमेटली हमें अल्टीमेटली हमारा ये बल्ब जलता रहेगा नाउ इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि ये जनरेटर मुझे बस इतने ही साइज़ का बनाना है जब मेरी लीनियर uh, रेल्स थी उस समय प्रॉब्लम थी अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी यहाँ पे क्योंकि ई डेवलप होगा ई डेवलप कैसे होगा आप देख सकते हो ई डेवलप होगा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव उल्टा घुमाओगे तो उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पे ये ई एम एफ बन गया ठीक है ये मैंने आपको समझा दिया यहां अगर आप इसको उल्टा घुमाओगे तो उल्टा ई एमएफ आएगा अब यहां पे जो ई एम एफ डेवलप होगा इट विल बी लाइक इसमें इसमें ऐसा डेवलप हो जाएगा उल्टा घुमाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो उसको उल्टा कर दो बड़ी लाइन इसको कर दो छोटी लाइन बड़ी वाली लाइन को छोटा कर दो छोटी वाली लाइन को बड़ा कर दो तो ऐसे होगा कितना ईएमएफ डेवलप हुआ भाई ये सेप्ट देख लो ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इसमें और भी पंगे डाल सकता है बहुत ज्यादा लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ आना चाहिए कि भाई है क्या तो ये कितना आ गया बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू इसका क्या आ गया इसका ई एम एफ डिवेलप आ गया कोई बोले करंट के बारे में बात करके बताओ तो करंट के बारे में भी बात कर सकते हैं करंट किसके बराबर होगी डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ जो ये आर लगाया डिवाइडेड बाय आर प्लस जो बाकी इसका इसका अपना रेजिस्टेंस है स्मॉल आर ठीक है तो करंट अगर पूछे आपसे तो करंट किसके बराबर होगी बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन टू आर प्लस आर दैट्स इट दिस इज एन अरेंजमेंट जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं तो बिजली बनाने के बहुत से तरीके बनाए लोगों ने बहुत से बहुत से इसके ऊपर आज भी रिसर्च चलती है कि कोई और तरीके निकल जाए तो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के सो मैनी वेज आर देयर लेकिन इकोनॉमिकली वाइबल जो अल्टीमेटली जिससे सस्ती बिजली बन सके अब उसके ऊपर सारी बात होती है सोलर विंड ये सब है क्या अल्टीमेटली यही सब चल रहा है किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने का तरीका चल रहा है तो ये ये दिस इज़ वन ऑफ द वे दिस इज़ वन ऑफ द वे ठीक है तो ये आपको इसीलिए सिखाया जाता है कि कई लोगों का दिमाग होता है इस तरह का जो रिसर्च कर सकते हैं इन चीज़ों को अच्छे से बना सकते हैं जैसे जैसे आप ये सीखते हो जैसे और इससे हायर लेवल पर जब जाओगे तो आपको और कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे तो फिर इन्हीं से चीज़ें बनती हैं थैंक यू वेरी मच